दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। अपने देश में जो इतिहासकार हैं, खासकर सामाजिक या राजनीतिक किस्म के विद्रोहों के, वो कहते हैं कि नागालैंड की जो इंसर्जेंसी है वो मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसी है। और उस नागालैंड की इंसर्जेंसी के संदर्भ में ये कहा जाता है कि अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहा है, न सिर्फ इंसर्जेंट ग्रुप्स के लिए बल्कि भारत के लिए भी, भारत की जो सरकार है उसके लिए, भारत की जो जनता है उसके लिए भी। क्योंकि सबसे पहले जो एक बड़ा सीज़ फायर, महत्वपूर्ण सीज़ फायर जो हुआ वो ऐसे दौर में हुआ जब हमारे देश में कहा जाता है कमजोर सरकार। गठबंधन की सरकारों को आमतौर पर हमारे यहाँ के राजनीतिक पंडित विश्लेषक मजाक उनका उड़ाते रहे और वो कहते रहे कि साहब पुख्ता सरकार चाहिए, एक ही दल के प्रचंड बहुमत वाली सरकार चाहिए। लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी, सबसे जो पुरानी इंसर्जेंसी रही है, विद्रोह की स्थिति रही है, उसको निपटाने का या उसके साथ समझौता करने का, शांति व्यवस्था कायम करने का, समूचे नॉर्थ ईस्ट में जो श्रेय जाता है एक रिलेटिव शांति लाने का, वो उन सरकारों को जाता है जो यूनाइटेड फ्रंट की थी। और एच डी देवगौड़ा उन दिनों प्रधानमंत्री थे जब ज्यूरिख में सबसे पहली बार संभवतः फरवरी महीने में 97 के उन्होंने बातचीत की थी नागालैंड के जो विद्रोही नेता है एनएसएन आईएम के इजाक और मुइवा दोनों से। और उसी का फॉल जो 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 फॉलोअप हुआ वो इंद्र कुमार गुजराल साहब जब प्रधानमंत्री थे, जिनको कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता था, उनके दरमियान हुआ। और गुजराल सरकार ने देवगौड़ा सरकार द्वारा किए कामों को एक तरह से आगे बढ़ाया, उसको लागू किया और दोनों तरफ से, यानी भारत का जो गणराज्य है और जो एनएससीएन आईएम है, उसने नगा विद्रोहियों की तरफ से एक सीज फायर का ऐलान किया। और उसके बाद लगातार वहाँ शांति की स्थिति पहले से बहुत बेहतर रही। और मुझे अच्छी तरह याद है जिन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसमें गृहमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन दिनों भारत के पत्रकारों का एक बड़ा समूह नागालैंड सहित तमाम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भेजा गया था और उसमें होम मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर भी था, साथ थे। संजोगवश हिंदी के उन चंद पत्रकारों में मैं था जो उस ग्रुप में भी हम लोग गए थे और तमाम नागालैंड के सुदूर इलाकों में भी हम लोगों ने भ्रमण किया और बहुत सारे नए अनुभव हमें हुए। मेरा ये कहना है कि उसके बाद अगर आप देखा जाए तो जो सीज फायर हुआ, जो शांति वार्ता हुई लगातार जो चालू रही, उसका नतीजा भारत के लिए और नागालैंड के लिए भी बेहतरीन नजर आया। और दोस्तों इसी को कंटिन्यू करते हुए मुझे याद है कि 2015 में आप सबको याद होगा 3 अगस्त को, अगेन अगस्त महीना, गुजराल साहब ने भी सीज फायर किया था 1 अगस्त को 97 में, और 3 अगस्त 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो फौरन एक साल बाद, कुछ ही समय बाद, उन्होंने 3 अगस्त 2015 को एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है वो उसका ऐलान किया गया। और उस समय तो ये कहा गया कि नागालैंड पर एक मुकम्मल समझौता हो गया, लेकिन इतना आसान नहीं था। जो बयान थे उसमें जाहिर है जल्दबाजी थी, एग्रीमेंट तो फ्रेमवर्क साइन जरूर हुआ लेकिन मुकम्मल यानी एक निर्णायक जो एग्रीमेंट था, एग्जीक्यूट करने की जो स्थितियां थी उनको लाने में विलंब था। और उसके लिए जो एग्रीमेंट साइन करने वाले वार्ताकार थे भारत सरकार की तरफ से, मिस्टर आर एन रवि जो आईबी के बड़े ऑफिसर रहे हैं और इस वक्त संजोगवश वही नागालैंड के गवर्नर हैं, और इस वक्त भी 2015 के बाद आप जानते हैं कि जितनी महत्वपूर्ण वार्ताएं भारत ने नागालैंड के साथ करी हैं उन वार्ताओं में मिस्टर आर एन रवि जो गवर्नर होने के साथ साथ भारत के मुख्य वार्ताकार हैं नगा विद्रोहियों से, उन्होंने ही सारी की सारी बातचीत की है। और इस समय उसी एग्रीमेंट को लेकर, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को लेकर भारत सरकार और नगा विद्रोहियों के बीच में, नगा जो संगठन है खासकर एनएसएन आईएम, उनके बीच में एक गहरी दरार पैदा हो गई है। और हमारी जानकारी है कि एनएसएन आईएम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर मोइवा, वो 20 जुलाई के बाद से ही दिल्ली में हैं।
इस बीच में गवर्नर से लेकर के और तमाम जो भारत सरकार के अधिकारी, बड़े उच्च अधिकारी जो नॉर्थ ईस्ट मामलों के निगोशिएट करने वाली टीम में है, वो सब भारत भारत सरकार से बातचीत करने के लिए, टॉप लेवल से बातचीत करने के लिए दिल्ली अपना विजिट कर चुके हैं। तो हमारा दोस्तों कहना है कि आखिर ये क्यों ऐसा हुआ कि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो लगभग अमली जामा पहनाए जाने की सूरत में था और उसको जमीनी बस असलियत भर देनी थी, आखिर वो क्यों खटाई में पड़ गया है। हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे सूत्र कुछ बताते हैं कि भारत सरकार की सदीक्षा थी और बहुत बेहतरीन सदीक्षा थी कि इसी अगस्त महीने में, अगस्त को कंटिन्यू करते हुए, अगस्त की ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए 15 अगस्त को हमारी सरकार चाहती थी कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के नाम संबोधन करें तो ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो मुकम्मल समझौते, एक स्थायी शांति का एक मील का पत्थर बन जाए और उसका घोषणा उसकी हो जाए लाल किले के प्राचीर से, लेकिन वो संभव नहीं हो पाई। अब बताया जाता है कि सितंबर महीना तय किया गया है कि सितंबर तक जरूर हो जाए। इस बीच में खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद अक्टूबर महीना लग जाए, लेकिन इसको अचीव करना है। लेकिन क्या वजह है ये नहीं हो पा रहा है? क्या इसमें कश्मीर का कोई कांटा चुभ गया है? क्या नागालैंड और भारत सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही है नगा विद्रोहियों के बीच में, उसमें कश्मीर का कोई कांटा चुभ रहा है बार बार और दरार पैदा कर रहा है, कोई कड़वाहट पैदा कर रहा है? इस पूरे एग्रीमेंट को लेकर एक बात सामने आई है कि नगा जो संगठन है उनका ये कहना है कि गवर्नर साहब ने या वार्ताकार साहब ने जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसकी कॉपी जो कुछ नगा ग्रुप्स को, ये उनका कहना है, हम ये बात नहीं कह रहे हैं, जो शेयर की थी कुछ ग्रुप्स के साथ, उसमें एग्रीमेंट के कुछ पहलू संभवतः गलत रूप में पेश किए गए हैं और उनमें हेरफेर की गई है। उन्होंने पहले जो गोपनीय डॉक्यूमेंट था, जो गोपनीय नहीं रहा, अभी हाल में NSA IM ने पूरा जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है उसको पब्लिक कर दिया, और इसके पहले नगा ग्रुप्स में पहले ही शेयर किया जा चुका था, ऐसा उनका दावा है NSA IM के लोगों का और अन्य ग्रुप्स का। तो इसको लेकर एक गहरा मतभेद पैदा हो गया है। अब कहा यह जा रहा है कि दरअसल जो शेयरिंग सॉवरेंटी का इश्यू है, जो समझौते में उनका दावा है नगा ग्रुप्स का, कि उसमें जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें माना गया है कि शेयरिंग सॉवरेंटी का कंसेप्ट को उसमें एलिबरेट किया गया है, और वो इसका इम्प्लीकेशन ये मानते हैं, अपने ढंग से व्याख्या करते हैं कि उनको भारत के संविधान को मानते हुए भी वो अपना एक संविधान रखना चाहेंगे, इसके अलावा वो अपना झंडा भी रखना चाहेंगे जो ऑलरेडी वो रखते हैं। तो इस पर भारत सरकार का कहना है, शुरू में शायद इस पर इतनी झिकझिक नहीं हुई थी, इतनी किचकिच नहीं हुई थी, लेकिन अब समस्या यह है कि अगर 370 को हमारे संविधान की जो महत्वपूर्ण धारा थी उसको अगर निष्प्रभावी कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के मामले में, और जम्मू कश्मीर को न केवल उसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया है 2019 के अगस्त महीने में, फिर अगस्त आ गया, और यही केवल नहीं बल्कि राज्य को विभाजित कर दिया गया है, तो ऐसे में जब वहां का संविधान सभा जम्मू कश्मीर की थी उसने जो पारित किया था संविधान, वो संविधान नहीं रहा, वो झंडा भी उनका नहीं रहा, तो तिरंगे के साथ जो अपना झंडा वो लगाते थे और भारत के संविधान के साथ जो अपना संविधान रखते थे उसको तो खत्म कर दिया गया। ऐसे में अगर भारत सरकार इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को आगे बढ़ाते हुए अगर नगा विद्रोहियों की इस बात को या नागालैंड के लोगों की इस बात को स्वीकार कर लेती है, मंजूर कर लेती है कि साहब आप अपना झंडा रखिएगा या अपना संविधान भी रखिएगा, ये जो शेयरिंग सॉवरेंटी का जो जो क्लाज है या जो एक प्रावधान है उसका अगर इस तरह से उसको एलिबरेट किया जाए, इस तरह से उसकी इम्प्लीकेशन अगर निकाले जाए, तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की मुसीबत और समस्याएं बढ़ेंगी। लोग सवाल उठाएंगे कि आखिर एक सूबे को आप ये दे रहे हैं तो दूसरे सूबे को आपने छीना क्यों? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नागालैंड के बारे में जो इतना महत्वाकांक्षी एक एग्रीमेंट जिससे वाकई संपूर्ण नागालैंड में ही नहीं बल्कि संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट में एक पीस का माहौल बना था, और निश्चित रूप से इसके लिए देवगौड़ा सरकार और इंद्र कुमार गुजराल की सरकारों को क्रेडिट देनी होगी। हिस्ट्री में अनेक ऐसे काम तथाकथित
जो मीडिया जो 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 लोग जो कमजोर सरकार कहे जाने वाली सरकारें होती हैं मीडिया में या सियासतदानों के बीच में या बहुत सारे थ्योरेटिशियन के बीच में, कैसे वो इतिहास में बड़ा काम कर जाती हैं, इसका उदाहरण है कि कैसे एग्रीमेंट किया गया और कैसे सीज फायर हुआ। लेकिन आज जब इतनी ताकतवर सरकार हमारी है, तब यह जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो ऐसा लगता है कि काफी मुश्किलों में फंस गया है। और इस बीच में मुहिबा और उनके समर्थक जो दिल्ली में हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट भी जारी किया, बयान भी जारी किया, और उसमें कहा कि 2015 के बाद से अब तक धनसिरी में बहुत सारा पानी बह चुका है। जैसे हम लोग कहते हैं कि गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है, वैसे ही नागालैंड में बहने वाली उस नदी का उन्होंने जिक्र किया। तो हमारा ये कहना है कि क्या हमारी सरकार जो एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट की मूल भावना को जारी रखते हुए क्या इसको मंजिले मकसूद पर पहुंचा पाएगी, या जो मुश्किलें हैं वो वाकई पेचीदा होंगी। क्योंकि आरोप ये भी है जो नगा ग्रुप्स का कि नागालैंड में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच में उन्होंने एक डिमांड भी रखी है कि मिस्टर रवि के साथ वो बातचीत करने में मुश्किल उनको हो रही है, इसलिए गवर्नर साहब को इसके लिए बदला जाए और वार्ताकारों की नई टीम रखी जाए। मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री या भारत सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि आरएन रवि एक बहुत ही अनुभवी किस्म के वार्ताकार हैं और भारत सरकार का पूरा भरोसा है। ऐसे में हो सकता है कि एबी माथुर साहब या अन्य जो दूसरे वार्ताकार नॉर्थ ईस्ट को के जानकार भी माने जाते हैं, हो सकता है कि वो मिस्टर अरुण रवि के साथ अटैच किए जाएं और इस वार्ता को और आगे बढ़ाया जाए। हम ये आशा करेंगे कि नागालैंड में जो इतना बड़ा काम अरसे पहले हुआ था वो बिल्कुल फ्यूटाइल न हो, वो व्यर्थ में न जाए, शांति स्थापना के लिए इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और कश्मीर के कांटे को कैसे दूर किया जाए जो नगा केंद्र इस वार्ता में या इस एग्रीमेंट की प्रोसेस में कहीं ना कहीं शुभन पैदा कर रहा है। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।